आज आप सीखने वाले हैं दिवाली के लिए इतनी सारी रेसिपीज। मेक श्योर कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे और बहुत ही टेस्टी सीख कर जाएंगे। दिवाली पर इनमें से कुछ भी बनाइए, आपको तारीफ ही मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए दिवाली से पहले। और कोई वीडियो डिमांड है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, इंतजार करूंगी। माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। दिवाली स्पेशल सीरीज चल रही है, मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गिव अवे कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, रूल सभी फॉलो करें। वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना इज मस्ट। आपको एटलीस्ट 4 to 5 ग्रुप्स में एक वीडियो को शेयर करना है 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। दोनों चैनल्स पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी को शेयर करना मस्ट है। जिनके स्क्रीनशॉट मेरी मेल आईडी पर आएंगे केवल मैं उन्हीं को चूज कर पाऊंगी। अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं और अभी तक कोई भी विनर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप सभी रूल्स फॉलो करें तभी विनर्स हो पाएंगे। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। टेस्टी टेस्टी आलू भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ आलू और बेसन का। जो भी मेजरमेंट है वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, वहाँ से जरूर चेकआउट कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है यानी कि उबाल लिया है। उबालने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से कद्दूकस की हेल्प से ग्रेट कर लीजिए। आपको आलू को हल्का सा जब गर्म हो तभी ग्रेट करना है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है लगभग 2 से 4 मिनट। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेसन, तो मैंने 1.5 कप बेसन ऐड किया है, 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे। उसके बाद मैं इसको सीव कर लूंगी यानी कि छान लूंगी। छलनी से छानना बहुत जरूरी है ताकि जो आप डो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल स्मूथ बने और परफेक्टली आपके आलू भुजिया आए। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा चावल का आटा, जो मैंने लिया है 1/4 कप। इसको ऐड करने से काफी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो जरूर ऐड करें। चावल का आटा नहीं है तो थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आलू भुजिया को चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला भी जरूर ऐड करें, गरम मसाला मेरा होममेड है। उसके बाद ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, इसकी वजह से टेस्ट थोड़ा खट्टा टाइप का आता है। और चंकी चाट मसाला ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस इतनी ही चीजें आपको ऐड करनी है। इसके बाद आपको इन सभी चीजों को आपस में मिलाना है और साथ में 2 चम्मच तेल जरूर डाल लीजिए ताकि ये अच्छे से फोकी भी बने और क्रिस्पी भी बने। इनको मिक्स इस तरीके से करना है कि हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आलू जो लिए हैं वो सफिशियंट हैं। आलू के साथ बेसन मैशअप हो जाएगा और डो फॉर्म में आ जाएगा, मींस जैसे कि आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। अगर आप लोग जब आलू के साथ इसको बनाते हैं और थोड़ा सा आपको सूखा लगता है तो थोड़ा सा पानी आप यूज कर सकते हैं, बट मेरे केस में आलू के साथ ही अच्छे से बाइंड अप हो गया था। उसके बाद हल्का सा मैंने इसको ग्रीस किया है और लगभग 2 से 4 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये डो सेट होता है तब तक हम करते हैं अपनी बाकी की प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मेरे पास एक सेव मेकर है, उसमें मैं ये वाली जाली का यूज करने वाली हूँ। तो पहले हम इस जाली को सेट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास इसका सांचा है उस सांचे में इसको फिट करेंगे, सांचे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने डो बनाकर रखा है इसको हमें इस तरीके से रोल करना है कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमारा जो सांचा है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म का है। तो इस तरीके से हम इसको रोल करके इसमें फिल करेंगे। फिल अच्छे से कर दीजिए, चारों साइड से अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि जब आप सेव छाने कढ़ाई में तो वो बहुत ही परफेक्ट आए। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, मींस इस सांचे को बंद करके तैयार कर दिया है। अब प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेव आना स्टार्ट हो गए थे। अब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख भी सकते हैं अच्छे से गर्म है। तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। लो करने के बाद इसको प्रेस करते हुए चारों साइड घुमाते रहिए, घुमाते घुमाते आप देखेंगे झाग बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। और जैसे ही ये झाग इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाए तो आपको फ्लेम मीडियम पर कर देनी है, केवल 2 मिनट के लिए लो रखनी है, उसके बाद मीडियम कर दीजिए। अब इसके बाद स्पून या फोक की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा चला दीजिए, पूरा लच्छा टाइप का बन जाता है। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके ये भुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। क्रिस्पी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, क्रिस्प मैं आपको स्टार्टिंग में ही सुनवा चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। इस स्टेज पर मैं इसको निकाल लेती हूँ, एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब कुछ निकल जाए। इसको निकालने के बाद दूसरा बैच कढ़ाई में ऐड कर दीजिए और उसको भी फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इस तरीके से ये आलू भुजिया बनाएंगे, अपने घर में सर्व करेंगे, सबको बहुत टेस्टी लगेगी और किसी को बिलीव नहीं होगा कि आपने घर में ही बनाई है। ये भी आपने देख लिया कि बनाना कितना इजी था, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये जो सेव मेकर है ना इसकी हेल्प से बहुत ही इजी हो जाता है ये सब चीजें बनानी। और जो स्टार्टिंग में जितने भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे रेसिपीज के, वो सब इस मेकर से ही बनाए हैं। तो बहुत ही आसान है इस मेकर की हेल्प से बनाना। मैं इस मेकर को अपनी फेस्टिवल्स की जान बोलती हूँ, क्योंकि इतना आसान कर देता है ना सारा काम, देख सकते हैं कितना इजीली बन पा रहे हैं। तो बस सारे के सारे मैंने बनाकर रख लिए हैं, जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको क्रिस्प कर दीजिए, मींस जितना साइज के आपको चाहिए उतना बारीक बारीक आपसे तोड़ सकते हैं और क्रिस्प सुन सकते हैं, जस्ट लिसन।
है ना क्रिस्पी, बहुत ही कमाल के बने हैं। ट्राई करिए, अपने घर में सबको खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आज की ये आलू भुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनती ही इतनी बढ़िया है और आसान कितना था इसको बनाना, ये देखा आपने। वीडियो पसंद आई ना, अगर पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दिवाली से पहले टेस्टी टेस्टी गाठिया बनाने के लिए हमें जरूरत होगी केवल बेसन की। बेसन से हम बना सकते हैं ये गाठिया। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, तो मैं यहाँ पर 2 कप बेसन लूंगी। 2 कप बेसन में जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी, फोकी, मजेदार गांठियां आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले हमने बेसन को सीव कर लिया है, यानी कि छलनी से छान लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद ऐड किया है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, अजवाइन जरूर ऐड करें, हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लें। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज खाने वाला सोडा, क्योंकि ये काफी थिक होती हैं इसलिए इसको फोका बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड करना है। उसके बाद आपको ऐड करना है 2 स्पून ऑयल। इन सभी को ऐड करने के बाद आपस में मिक्स कर लें। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है और इसका मीडियम टू सॉफ्ट डो आपको बनाकर तैयार करना है। पानी ज्यादा नहीं लगता है तो बहुत ही ध्यान से डालें। मैंने टोटल 1/4 कप पानी यूज किया है। 1/4 कप में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डो लगना स्टार्ट हो गया है। बाद में 1 स्पून पानी की जरूरत और पड़ी थी तो बस मैंने 1 स्पून पानी और लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं डो कितना बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि खाने वाला सोडा ऐड किया है तो इसको एक्टिवेट होना जरूरी है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे, तब तक हम करते हैं अपनी बाकी की प्रिपरेशन। गाठिया बनाने के लिए हम ये वाली छलनी का यूज करेंगे। आपको मार्केट में ये सांचा कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। एक तो इस शेप में आता है और एक इस शेप में आता है, मेरे पास ये वाला है। इसकी हेल्प से बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सेट करना होता है। इसमें एक ऊपर की साइड से ओपन होता है, नीचे की साइड से ओपन होता है। नीचे की साइड में हमें जाली फिट करनी होती है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करके सबसे पहले ग्रीस करूंगी। ग्रीस करना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप इस सांचे की हेल्प से गाठियां तोड़ें तो वो इजीली निकल आए। तो सबसे पहले हमने जाली फिट करी, उसको हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया, ग्रीस कर लिया अच्छे से, अंदर तक बहुत ही अच्छे से ग्रीस है। अब जो हमने डो बनाकर इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म दी है ताकि इस सांचे के अंदर हम इसको इजीली कर पाए। इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है ताकि जब आप गाठियां तोड़ें तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में निकले। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जाली में से जब मैं ऐसे प्रेस कर रही हूं तो गांठियां निकलना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। बिल्कुल लो फ्लेम ना रखें क्योंकि सोडा डाला हुआ है, अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसमें तेल भर जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम रखनी है। और केवल 5 मिनट से भी कम लगेंगे और आपके गाठियां बनकर तैयार हो जाएंगे। जब तक ये हल्के से क्रिस्पी ना हो तब तक आपको इसे छूना नहीं है। अब ये हल्के हल्के से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं तो स्पून की हेल्प से इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से चला दीजिए। कुछ तो ये कढ़ाई में ही टूट जाते हैं, बाकी जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो अपने हाथों की हेल्प से इसको ब्रेक कर सकते हैं अपनी मनचाही शेप में। अभी आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में ही क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं। जब आप ये गाठियां बनाएंगे तो आप इसकी क्रिस्प कढ़ाई में ही सुन पाएंगे, इतनी ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और केवल 5 मिनट लगते हैं। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के बाद कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। ऑयली बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बेशक कि हमने इसको ऑयल में ही फ्राई किया है बट ऑयली नहीं होते हैं। मीन्स अगर आप हाथों से इसको उठाएंगे तो आपके हाथों में ऑयल नहीं आएगा। यहाँ पर दूसरा बैच डाल दिया है, जब तक ये फ्राई हो रहा है दूसरा वाला ठंडा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कितने बढ़िया बने हैं। और जो मशीन मैंने आपको दिखाई है ना, इसकी हेल्प से इतने इजी तरीके से बन जाते हैं कि यू विल जस्ट लव दिस। टेस्टी बहुत ही ज्यादा लगते हैं, ट्राई जरूर कीजिए। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, आपके घर में आपके बच्चों को कैसी लगी। अच्छा, क्रिस्प तो सुन लिया ना आपने कि कितने क्रिस्पी बने हैं। और साथ ही साथ जब आप इसको तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ना ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ है, कि बहुत ज्यादा हार्ड बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। कोई आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो वो भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही फोके हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। ट्राई जरूर कीजिए। जब ये गाठियां ठंडे हो जाएं तब आप इसको उठाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये महीने भर भी खराब नहीं होते हैं। और क्रिस्पी कुरकुरी सेव बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, साथ में हम इसको सीव कर लेंगे। सीव करना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो डो बने बिल्कुल स्मूथ बने, उसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई लम्स ना हो। उसके बाद यूज करेंगे राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। ये मैंने लिया है 1/4 कप। चावल का आटा मिक्स कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब ऐड किया है हींग, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए,
थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए और इसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आपको लगाना है इसका सॉफ्ट टू मीडियम डो, मीन्स ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए जो डो आप बनाने वाले हैं। जो मेजरमेंट मैंने यूज किया है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर चेकआउट कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ज्यादा पानी नहीं लगता है, टोटल 1/4 कप पानी लगा है और ये आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। केवल 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं यूज करूंगी इस वाली जाली का, इसको पहले मैं अच्छे से ग्रीस करूंगी। इसको ग्रीस करने के लिए आप इसको नीचे से और ऊपर से ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो भी जाली यानी कि जो भी सांचा आपको लगाना है वो इसमें फिट कर लीजिए। ग्रीस करना इसलिए जरूरी है, मीन्स ऑयलिंग करनी इसलिए जरूरी है ताकि जो भी डो आप इसमें ऐड करें वो इजीली बाहर आ सके। सबसे पहले हाथ में हल्की सी ऑयलिंग करेंगे और डो को स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको देंगे सिलिंड्रिकल शेप, क्योंकि हमारा सांचा सिलिंड्रिकल शेप का है। इसको कुछ इस तरीके से फिट करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद जो हमारा सांचा है यानी कि जो हमारा सेव मेकर है उसको इस तरीके से फिट कर लीजिए। ये जो सेव मेकर है ना, इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली ये बना पाएंगे। इस तरीके से प्रेस किया तो ये देखिए सेव निकलने स्टार्ट हो गए, तो कितना इजी है ना इस मशीन से बनाना। तो आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। जब आप मेकर से इस तरीके से सेव तोड़ें तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, अदरवाइज ये सेव टूट भी सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, मीन्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा स्पीड नहीं बनती है, तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखें और हो सके तो जो हमारी छोटी वाली फ्लेम होती है उस पर रखें ताकि ये सेव जले नहीं। उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। स्पून की हेल्प से इसको टर्न कर दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा एक लच्छा सा बन जाता है ना, तो इसलिए स्पून से करना इजी हो जाएगा। स्पून से या फिर फोक से कर सकते हैं और देखते ही देखते ये कढ़ाई में ही क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एकदम से हार्ड होना स्टार्ट हो गए, लेकिन ये वैसे वाले हार्ड नहीं है कि आपके मुंह में चुभेंगे जाकर, केवल क्रिस्पी वाले। तो अब मैं बस इसको इस तरीके से टर्न करूंगी और 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया है, क्रिस्पी हो गए। तो बस यही तो चाहिए था, बस बनकर तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, और दूसरा बैच है तो उसको फ्राई होने के लिए ऐड कर दीजिए। इसको ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखिए एंड जस्ट लिसन द क्रिस्प। कितना इजी होता है इसको बनाना और कितने क्रिस्पी बने। इसको अपने हाथों से आप छोटे बड़े किसी भी साइज में तोड़ सकते हैं। उसके बाद सर्व कीजिए। दिवाली पर इस टाइप की चीजें जब आप बनाकर खिलाएंगे ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मार्केट के आए हैं घर के आए हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। शक्कर पारे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी मिल्क का और साथ में शुगर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाउडर शुगर, आधा कप पाउडर शुगर लिया है, साथ में ऐड किया है आधा कप वार्म मिल्क, मतलब हल्का सा नेवाया दूध आपको इसमें ऐड करना है। आप इसमें मिक्स कर लीजिए। पाउडर शुगर नहीं है तो चीनी को पीस लीजिए, वो पाउडर शुगर बन जाती है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट चीनी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब तक चीनी घुले उसका वेट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 2 कप मैदा। जो भी चीजें यूज कर रही हूँ मेजरमेंट आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर ले। तो 2 कप मैदा को छानकर हमने ऐड किया है, छानना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें कोई भी इस टाइप के लम्स ना रहे। छान लेते हैं तो इसकी भी श्योरिटी हो जाती है कि कोई इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है। साथ में ऐड किया है आधा कप घी। घी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेल्टेड नहीं था, तो आपको भी कुछ इसी फॉर्म में लेना है, और आजकल इस टाइम पर घी इसी फॉर्म में रहता ही है। साथ में ऐड किया है थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट अच्छा लाने के लिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि थोड़ा ढीला है, मीन्स हल्का गीला गीला हो रहा है आटा, लेकिन जब आप इसको लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे उसके बाद आटा बिल्कुल सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसे रोल करने में प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा मिक्स कर सकते हैं। इस टाइम आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, ढककर रख दिया है आधे घंटे बाद। आप देख सकते हैं साइड से हल्का हल्का सा घी रिलीज कर दिया है। अब अच्छे से इसको आपको मत लेना है, मतलब जैसे हम आटे को मलाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसको मलाना है ताकि इसमें बहुत अच्छी सी लेयर्स बने। तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको मलाऊंगी कुछ इस तरीके से कम 5-7 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। अब आप इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 2 हिस्सों में बांट लेंगे तो इसको रोल करना इजी हो जाएगा। एक हिस्से को रख देते हैं, दूसरे हिस्से को रोल करना स्टार्ट करते हैं। रोल आपको बिल्कुल प्रेशर लगाकर नहीं करना है, अगर ज्यादा प्रेशर लगाकर रोल करेंगे तो इसमें वो लेयर्स नहीं बनेंगी, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से रोल करें। उसके बाद आपको इसे शार्प नाइफ से कट कर लेना है। जब आप इस मैदा को रोल करेंगे तो आपको सूखा मैदा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मोयन है, हमने घी का मोयन दिया है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी तो बनते ही हैं, फोके भी बनते हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
इसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कम से कम इतनी होनी चाहिए, तभी ये अच्छी सी लेयर बनेगी और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। एकदम जो फोका एकदम कुरकुरा टाइप का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट आने वाला है। और यकीन मानिए इतने ज्यादा टेस्टी लगेंगे ना आपको ये वाले शक्कर पारे, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बनाने वाले हैं। चाशनी वाशनी बनाने का भी झंझट नहीं है, सिंपल ऐसे बनाइए। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हल्का सा मैदा डालकर देख लिया कि तेल गरम है या नहीं है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर आपको इन सभी शक्कर पारे को ऐड कर देना है कढ़ाई में। स्टार्टिंग के 5 to 7 मिनट्स आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, मीडियम से हाई बिल्कुल भी ना करें। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से रेड हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं थिकनेस हमने काफी रखी है, अंदर तक पकना बहुत जरूरी है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देते हैं। जब लो फ्लेम पर जब तक पक रहा है तब तक अपने जो दूसरा रोल बनाया है उसको भी अच्छे से मला लेते हैं एक और बार। उसके बाद अगेन इसको कट करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पक रहे थे 5 मिनट तक। अब फ्लेम मैंने मीडियम की है। जब ये हल्के से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए उसी स्टेज पर आपको फ्लेम को मीडियम करना है और 3 से 4 मिनट में फिर ये इस तरीके से पक जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आया है, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसको टेस्ट कीजिए, ठंडे हो जाएंगे तभी क्रिस्पी लगेंगे, गरम गरम क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो जब तक एक बैच हमारा ठंडा हो रहा है दूसरा बैच ऐड कर देते हैं कढ़ाई में। इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे जब ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद आपको सभी शक्कर पारे को पहले ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। ये महीने भर भी खराब नहीं होते हैं, महीने भर 2 महीने भर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। टेस्टी बहुत ज्यादा लगते हैं, बचेंगे ही नहीं महीने भर। तो ट्राई जरूर करना, इतने टेस्टी लगते हैं। अब आपको इसका क्रिस्प सुनवाती हूँ, इतने क्रंची बने हैं ना, क्रंची एंड फोके। क्यों बने हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी। अब देखिए तोड़कर दिखाया कितना इजीली टूट गया, मींस अंदर से बिल्कुल फोका है ऊपर से क्रंची है। बहुत ही कमाल का है, ट्राई जरूर करना। मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आते हैं, आपके घर में भी ना सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक बार बनाएंगे तो जितने फर्स्ट टाइम बनेंगे ना वो तो खत्म ही हो जाने, दोबारा जरूर बनाने पड़ेंगे। तो ट्राई जरूर कर लेना। और आपके घर में लगे कैसे सबको, अपना एक्सपीरियंस अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलना। इंतजार करूंगी आपके कॉमेंट्स का। और दिवाली स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज आने वाली। Don't forget to like and subscribe and don't forget to participate in giveaway contest. Happy Diwali in advance. Bye bye.